In that, we will be taking up the case of refraction on the basis of wave theory. Wave theory के basis पे पूरे का पूरा refraction जो है आप किस तरीके से explain कर सकते हो, this is required बेटा. Reflection वाला आप complete कर चुके हैं. Consider with this part that we have this boundary. Let us say that this boundary is xy boundary. और बेटा ये air को और किसी और medium को separate कर रही है, transparent medium को. और आप medium को for your convenience water imagine कर सकते हैं. कोई denser medium air के comparatively आपने ले लिया, transparent medium. And dear children, over here अगर हम draw करें incident wave front, refracted wave front, तो ये कुछ इस तरीके के बेटे जो है, ये we can plot these. ये imagine कर लीजिए आपका incident wave front है और ये wave front इस boundary पे at present ये ए बी वे फ्रंट ये स्ट्राइक कर रहा है एक्स एंड पे. तो ये मीडियम एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में पहुंचने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन ये जो बी पॉइंट है यहां से अभी जो अगर हम रेज ऑफ लाइट प्लॉट करें, दिस इज द रे ऑफ लाइट एंड हेयर दिस इज द रे ऑफ लाइट, दीज आर द टू रेज ऑफ लाइट. ये रे अभी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन दिस मीडियम दैट इज एयर, उसके बाद फिर वो नए मीडियम में एंट्री जो है उसकी वो हो सकती है. अब आप क्या करोगे, आप जानते हैं एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है ये मैं यहाँ पे सी वन कह देता हूं, यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग लेट अस से दैट कि ये C2 के बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन द अदरवाइज दूसरे मीडियम में C2 के बराबर स्पीड ऑफ लाइट हमारा है. ये आपका जो है डिस्टेंस B से लेकर ये पॉइंट को आप A डैश पॉइंट बोल दीजिए, ये डिस्टेंस B A डैश जो है इट विल बी इक्वल टू योर C1 स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन टू रीच अप टू द पॉइंट A डैश फ्रॉम द पॉइंट बी इस रे ऑफ लाइट के लिए. देन बेटे इस एंड पे अगर आप फोकस करोगे, ए पॉइंट पे फोकस करोगे, यहाँ पे तो मीडियम आपका जो है ये बिल्कुल चेंज होने के लिए रेडी है. जितना टाइम ये रे इधर जाएगा ये रे आपका अब डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा. और डियर चिल्ड्रन डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सी टू के बराबर है आपने इमेजिन कर रखी है, उतने ही टाइम में ये आपका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा C2 इनटू T के बराबर होगा. आप क्या करिए, अब C2 इनटू T के बराबर के डिस्टेंस के बराबर आप अपना कंपास खोलिए और यहां पे नीडल रखकर एक इस तरीके से आर्क लगा दीजिए. दिस वे इस तरीके से जब आप आर्क लगाओगे तो डियर चिल्ड्रन ये आर्क कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा. इस तरीके से आर्क आपने ड्रॉ किया, अब आप ए डैश पॉइंट को इस पर्टिकुलर इससे ज्वाइन कर दीजिए. ये आपके पास बेटे आपका जो है रिफ्रैक्टेड वे फ्रंट आ जाएगा. इस पॉइंट को आप यहाँ पे ऐसे बी डैश पॉइंट बोल सकते हैं. अब आपका ए डैश बी डैश जो है ये रिफ्रैक्टेड वे फ्रंट है, ए बी आपका बेटे जो है ये इंसिडेंट वे फ्रंट जो है इस मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा है. ये एंगल आपका आई और डियर चिल्ड्रन ये वाला एंगल आपका एंगल आर कहलाएगा. अब हम किस श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या वो इसी इंसिडेंट वेव फ्रंट का रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है कि किसी और का है. उसके लिए आपको एक जो और रे ऑफ लाइट जो है इमेजिन करना होगा. ये रे ऑफ लाइट आपका इस तरीके से आ रहा है, डी पॉइंट आपने इंसिडेंट वेव फ्रंट पे इमेजिन किया, इसके कॉरिस्पॉन्डिंगली आपने रिफ्रैक्टेड रे और यहाँ पे ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है,
इनको साइमल्टेनियसली बच्चों ड्रॉ कर लिया, इनका नाम आप 1, 2, 3 इंसिडेंट वेव्स हैं, 1-2-3 आपके रिफ्रैक्टेड जो रेज ऑफ लाइट हैं। यहां से आपने एक इस लाइन के पैरेलल ए बी वेव फ्रंट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया एंड लेट दिस पॉइंट बी कॉल्ड एस पॉइंट एन बीटा। और बच्चों ई एंगल जो है इट विल आल्सो बी एंगल आई, इसको पॉइंट को पी, इसको पॉइंट को डी डैश पॉइंट हम फॉर द टाइम बीइंग कह देते हैं। एक बार डायग्राम ध्यान से देखिएगा बेटा फिर से, एक्स वाई कोई बाउंड्री है, ये एयर को पानी से या किसी एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट कर रहा है। आपने ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट इस तरीके से आई एंगल पर इंसिडेंट किया ए से, तो अब देखिए मीडियम चेंज के लिए बिल्कुल कंडीशंस परफेक्ट है। बी पॉइंट से अभी आपका रे ऑफ लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सी वन स्पीड ऑफ लाइट एयर में है, सी टू दूसरे वाले मीडियम में है, टाइम टी आपने नोट कर रखा है ऑलरेडी, आप टाइम टी को सी टू स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके ये आर्क ड्रॉ कर लीजिएगा, देन ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आपको बेटा मिल गया। अब ये बात साबित करने के लिए कि ये वेव फ्रंट इसी का रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, हम कह सकते हैं कि डी पॉइंट आप इंसिडेंट वेव फ्रंट पे ले लीजिए, अगर इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली डी डैश पॉइंट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट पर है देन डेफिनेटली आपका ये वेव फ्रंट इसी का ही रिफ्रैक्टेड है, नहीं तो बेटा नहीं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम ये कह सकते हैं कि जितना टाइम ये रे यहां पहुंचने में ले रही है बी से ए डैश तक, उतना ही टाइम ये डी से पी एंड पी डैश तक लेगी, अगर तो दैट विल बी द केस दैट कि आपका डी डैश पॉइंट जो है या ये आपका जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो उसी इंसिडेंट वेव फ्रंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली ही है बेटा। सो व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव दैट बेटा आपका बी ए डैश डिवाइडेड बाई सी वन, ये डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई ये वाली स्पीड, ये टाइम आ गया, और साथ ही साथ इट इज इक्वल टू डी पी, ये आपका रे ऑफ लाइट जा रहा है विद स्पीड सी वन प्लस पी डी डैश, ये आपका जा रहा है विद द स्पीड सी टू। ये बात बेटे आपने अगर प्रूव कर दी तो दैट विल बी द क्लियर कट केस दैट कि आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इसी इंसिडेंट वेव फ्रंट का ही है। सो उसके लिए बेटे फिर हम क्या करने वाले हैं, फर्दर मोर डी ए डैश को जरा ध्यान से देखिएगा आप, बी ए डैश को डियर चिल्ड्रन बी एन प्लस एन ए डैश करके लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिएगा, यू विल बी गेटिंग दैट बेटा आपका बी एन प्लस एन ए डैश डिवाइडेड बाई सी वन, दिस इज इक्वल टू डी पी बाई सी वन प्लस पी डी डैश बाई सी टू। इसको आप डियर चिल्ड्रन सेपरेट करके लिख सकते हो, इट विल बी बी एन बाई सी वन एन ए डैश डिवाइडेड बाई सी वन, दिस इज डी पी बाई सी वन प्लस उत्तर पी डी डैश बाई सी टू। अब डायग्राम पे जरा फोकस करिएगा, आपने ये वाला लाइन इस वेव फ्रंट के पैरेलल खुद ड्रॉ किया था, अगर ये लाइन उसके पैरेलल है देन बेटे आप क्या कह सकते हैं कि आपका ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है, क्योंकि ये लाइन आपने खुद उसके पैरेलल ड्रॉ किया है, तो दैट विल क्लियरली मीन दैट कि आपका बेटे जो बी एन और डी पी ये बराबर है। सो बिकॉज बी एन डिस्टेंस आपका डी पी के बराबर है डायग्राम से, तो आपका बी एन डिवाइडेड बाई सी वन डी पी डिवाइडेड बाई सी वन, ये चिल्ड्रन दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी जस्ट बिकॉज दोनों डिस्टेंसेस आपके बराबर हैं। तो हमने ये बात प्रूव करनी थी, और हम इस जो बात हमने प्रूव करनी है इसको हमने मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफाई करके आपके पास क्या बन गया जी,
एम ए डैश डिवाइडेड बाई सी वन बचा, दिस इज इक्वल टू पी डी डैश डिवाइडेड बाई सी टू। जो बात आपने साबित करनी थी, अब अगर ये साबित कर दोगे तो इसका मतलब सेम ही हो गया कि आपका ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इसी इंसिडेंट वेव फ्रंट का ही वेव फ्रंट है। इस चीज को प्रूव करने के लिए, डियर चिल्ड्रन, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द ट्रायंगल्स विजिबल टू यू इन द डायग्राम। ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ए बी ए डैश एंड ट्रायंगल पी एन ई डैश, ये बड़े वाला और ये छोटे वाला, ये ट्रायंगल्स को देखिए, इनमें ये एंगल तो सेम है दोनों में, ये राइट एंगल होता है बिकॉज रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, ये भी राइट एंगल ही रहेगा, और ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, ये एंगल दोनों का कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल्स का सिमिलर ट्रायंगल्स है, और ये अगर सिमिलर है तो आप लिख सकते हैं बी ए डैश डिवाइडेड बाई एम ए डैश, बी ए डैश डिवाइडेड बाई एम ए डैश, दिस इज इक्वल टू ए ए डैश डिवाइडेड बाई पी ए डैश, और इसको मैं इक्वेशन नंबर वन बच्चों बोल देता हूं। आई जस्ट मीन टू से दैट कि ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड डिवाइडेड बाई ये। अब नीचे वाली दो बड़ी ट्रायंगल्स देख लीजिए, ट्रायंगल ए ए डैश एंड बी डैश, ये पूरा ट्रायंगल एंड पी ए डैश डी डैश एंड ट्रायंगल पी ए डैश डी डैश। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगेन ये तो एंगल बेटे कॉमन है दोनों का, एंगल आर ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, दो दो एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल आल्सो सेम ही रहेगा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपकी बेटा सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो अगेन यू कैन राइट दैट ए ए डैश अपॉन पी ए डैश, ये पूरी साइड डिवाइडेड बाई ए साइड, इट इज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई यूर ए बी डैश डिवाइडेड बाई पी डी डैश, ए बी डैश डिवाइडेड बाई पी डी डैश आप लिख सकते हो बेटा। सो बेटे इसको इक्वेशन नंबर आप टू बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर टू की ये वाली साइड और वन की ये वाली साइड सेम है, तो रेस्ट ऑफ द साइड्स कैन बी कंपेयर्ड, बी ए डैश डिवाइडेड बाई एम ए डैश, इट इज ए बी डैश डिवाइडेड बाई पी डी डैश। बी ए डैश को ध्यान से देखिएगा, ये इट इज स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई एम ए डैश, ए बी डैश स्पीड ऑफ लाइट सी टू इंटू टाइम डिवाइडेड बाई पी डी डैश, एस एच टी आपका कट गया, कैंसल आउट हो गया, जो चीज बच गई है दिस इज सी वन डिवाइडेड बाई एम ए डैश, दिस इज इक्वल टू सी टू डिवाइडेड बाई पी डी डैश, उल्टा कर दो रिलेशनशिप को, यू विल गेट एम ए डैश अपॉन सी वन, दिस इज इक्वल टू पी डी डैश अपॉन सी टू। सो इस तरीके से बेटे आप अपना ये आपने साबित कर दिया कि आपका जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आप देख रहे हो, ये बेटे आपके इंसिडेंट वेव फ्रंट का ही रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, किसी और वेव फ्रंट का नहीं है। अब हमारा बेटे जो फर्दर मोर पर्पस है वो ये प्रूव करना है कि बिकॉज वी आर प्रूविंग रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, हम यहाँ पे बेटे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे, और स्नेल्स लॉ से हमें जो म्यू मिलेगा अगर तो वो दोनों स्पीड्स के बराबर आ जाएगा, इट विल बी ऑल वेल, वी विल बी जस्टिफाइंग इट, और अदरवाइज हमें फिर थोड़ा इसको एक बार रीलुक करना पड़ेगा। आइए एक बार बात करके देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, दिस इज साइन आई बाई साइन आर, साइन आई, डायग्राम को एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, इस केस में आपका जो एंगल आई है, एक बार फिर से बेटे फोकस करिएगा, दिस इज योर
एंगल आई ये राइट एंगल है, इसमें साइन आई अगर आप निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, बी ए डैश डिवाइडेड बाई ए ए डैश। सो म्यू विल बी इक्वल टू बी ए डैश डिवाइडेड बाई ए ए डैश। अब बेटे इस नीचे वाली ट्रायंगल में साइन आर देखिएगा, ये आपका राइट एंगल है बिकॉज रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द केस ऑफ योर वेव फ्रंट। यहाँ पे अगर आप साइन आर निकालोगे इट विल बी दिस इज द परपेंडिकुलर इट विल बी द हाइपोटेन्यूज ए बी डैश अपॉन ए ए डैश। सो आई विल राइट ए ए डैश अपॉन ए बी डैश। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। अब ये देखिए ए ए डैश आपका डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज बी ए डैश, वो ध्यान से देखिएगा सी वन इंटू टी ए बी डैश ये वाला, दिस इज इक्वल टू सी टू इंटू टी, टी इज गेटिंग कैंसल्ड एंड डियर चिल्ड्रन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द टू स्पीड्स ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। यही बात आपने प्रूव करनी थी और आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप रिफ्रैक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी इस तरीके से स्टडी कर पाएंगे। सो एक बार फिर से बेटा मैं दो मिनट में आपको सारे का सारा ये कंसेप्ट जो है बेटा विजुअलाइज करवा देता हूं। आपने रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी कंप्लीट किया ऑलरेडी, कल कर लिया था आपने। नाउ इट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच वी वांट टू प्रूव द रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। एक्स वाई कोई बाउंड्री है जो किसी रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम से सेपरेट कर रही है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट आपका एंड ए डैश बी डैश रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, वन टू थ्री इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, वन डैश टू डैश थ्री डैश रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आप ड्रॉ कैसे करोगे, इस मीडियम में सी वन के बराबर स्पीड ऑफ लाइट है और ये डिस्टेंस c1 into t के बराबर है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c2 है कम है, आप c2 into t के बराबर का कंपास ओपन करके यहाँ पे नीडल रखकर एक आर्क लगा लोगे, इस आर्क को आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आपको मिल गया। देन इस इंसिडेंट वेव फ्रंट के पैरेलल आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये अब आप ये साबित करना चाहते हैं कि डी पॉइंट अगर इस इंसिडेंट वेव फ्रंट पर है तो इट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। बेटा ये आप कैसे शो कर सकते हो, ये आप इस तरीके से शो कर सकते हैं कि जितना टाइम ये रे बी से लेकर ए डैश तक पहुंचने में ले रही है उतना ही टाइम ये दो नंबर रे डी पॉइंट से लेकर पहले पी तक फिर डी डैश तक पहुंचने में उतना टाइम ही ले रही है, और टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बी ए डैश डिवाइडेड बाई सी वन पी डी डिवाइडेड बाई सी वन पी डी डैश डिवाइडेड बाई सी टू, ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए। इनको बराबर करते 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 आप यहां पहुंच गए थे, अगर आप ये साबित कर देते हो तो आपका ये रिफ्रैक्शन का हाफ ऑफ द वर्क इज ओवर। उसके लिए फिर आपने क्या किया, ये ऊपर वाली बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल इनको सिमिलर बोल के ये ए ए डैश अपॉन पी ए डैश एंड बी ए डैश अपॉन एम ए डैश निकाला, ऐसे ही नीचे वाली बड़ी और छोटी ट्रायंगल लेकर ए बी डैश अपॉन पी डी डैश इज इक्वल टू ए ए डैश अपॉन पी ए डैश करके दोनों को इक्वेट कर दिया। यहां से आपको आपका जो है ये जो चीज आपने प्रूव करनी थी उसका प्रूफ आपको मिल गया। देन बेटे आपने स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर वो लॉ यहां पे लगा दिया, और ये बड़ी वाली ट्रायंगल ऊपर जो देख रहे हो और नीचे बड़ी वाली ट्रायंगल जो देख रहे हो यहां से आपने साइन आई और साइन आर की वैल्यूज वर्कआउट कर ली, निकाल ली, कैलकुलेट कर ली, उनको पुट कर दिया और ये आपका स्पीड की रेशो के बराबर आ जाता है। तो दिस इज द क्लियर कट कंफर्मेशन दैट आप अपने रिफ्रैक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी बेटे कह सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। सो इन दिस वे हम बेटे रिफ्रैक्शन ऑन दिस बेसिस जो है ये कंप्लीट कर सकते हैं।
So dear students, before I proceed further with the next topic, beta Aditya, Gunjot, Gursimar, Bhavya, Gunjan, Shitesh, Manviya, बेटे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइएगा, साथ साथ थोड़ा नोट भी करते जाना है आपने बेटा, उससे फिर आपको किसी भी तरीके का जो रे डायग्राम में प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा बेटा। सो आइए देन बेटे आगे चलते हैं। इसके बाद मैं फिर बेटे रिपीट कर दूं, सीबीएसई में ये तीन नंबर में आता है सारे का सारा, और एक सेट में अगर ये है तो सेकेंड सेट में आपका जो है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी जो है वो जनरली हमें मिल जाता है। सो आइए बेटे आगे, इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, और हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके इंटरफेरेंस कैसे डिस्कस कर सकते हैं, और डियर चिल्ड्रन इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट के लिए हमारी बेसिक थ्योरी क्या है, कोहरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, इंटरफेरेंस होता क्या है, अगर इंटरफेरेंस होता है तो कैसे होगा, और किस तरीके के हमारे रीजंस बनेंगे स्क्रीन पर। आइए ये सारे का सारा जो है डिस्कशन कंप्लीट करें और देखें कि क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कैसे हमने इसको डियर चिल्ड्रन अप्लाई करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, डियर चिल्ड्रन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की रिगार्डिंग हमने इमेजिन किया कि हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स दो पर्टिकुलर वे में डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज की जो एम्पलीट्यूड्स हैं इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दिस मैनर। लेट दीज बी द टू, ऑन दिस एक्सिस आप टाइम ले लेते हो, ऑन दिस एक्सिस आपने फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट, ऑन दिस एक्सिस आपने सेकंड का डिस्प्लेसमेंट लिया, और ये कुछ इस तरीके से आपने बराबर के इंटरवल्स में इसको बेटा डिस्ट्रीब्यूट भी किया जस्ट लाइक दिस बेटे। एंड फर्दर मोर लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस पार्ट फर्दर, ये आपका पहला वेव है, इमेजिन कर लीजिएगा दिस वे और दिस वे। सेकेंड वाला आपका जो है इट इज हैविंग अ लिटिल बिट से लेस एम्पलीट्यूड, इट्स ऑफ दिस साइड दिस वे, और देखिए बड़े ध्यान से एक का क्रेस्ट बिल्कुल दूसरे के क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर आ रहा है। अगर आप इन दोनों एम्पलीट्यूड्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना चाहें वाई दैट विल बी इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू आ जाएगा, इतने में ये वाला ऐड कर दीजिएगा, इट विल बी योर वाई वन प्लस वाई टू। थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूं और आपको क्लियर हो जाएगा दिस वे बेटा, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, और दोनों जो आपके एम्पलीट्यूड्स हैं डिस्प्लेसमेंट्स रादर जो है एड अप होकर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट जो है ये दे देंगे। आइए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करें। फर्दर मोर आपके पास इनिशियली वाई वन डिस्प्लेसमेंट था आपके फर्स्ट वेव का बेटा, और सेकेंड वेव आपका जो है इसका आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज इक्वल टू वाई टू, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपका जो है इट इज गिवन बाई वाई एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल टू। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप सिर्फ दो ही इंडिविजुअल वेव्स को सुपर इम्पोज करवा सकते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ वेव्स हैं आप उनको सबको इन दिस मैनर सुपर इम्पोजिशन उनका करवा सकते हैं, और आपके पास जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट वन सेकंड वन थर्ड वन सो ऑन एन नंबर ऑफ वेव्स आप ले सकते हो, और साथ ही साथ अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे आता है तो यहाँ पे माइनस भी आएगा, तो आप प्लस माइनस लिखकर इसको
इंडिकेट कर सकते हो. सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू डियर चिल्ड्रन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट वी कैन से दैट कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास इंडिविजुअल वेव्स का दैट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स. और अगर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. अगर एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट जो है दैट विल बिकम लेस बेटा. इस सारे के साथ बेटे चलते चलते बेटे हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है. व्हाट डू वी मीन बाय द कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बेटे. लेट अस कंसंट्रेट. कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है और हम कैसे इनके साथ डील कर सकते हैं. डियर चिल्ड्रन टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहरेंट सोर्सेज इफ दे अमिट द वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ एंड जीरो फेज डिफरेंस और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस. आपके पास कोई दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं या कोई दो वेव्स के सोर्सेज हैं. अगर दो वेव्स जिन दोनों सोर्सेज में से जनरेट हुई हैं उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है उनका वेवलेंथ सेम है उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है. अगर है तो कॉन्स्टेंट ही रहे तो आपके वो जो दोनों सोर्सेज हैं दीज आर सेड टू बी कोहरेंट. सो आइए देखें बेटा समझें जरा इसको. तो सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहरेंट सोर्सेज कोहरेंट इफ दे अमिट द वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ एंड आर इन फेज और हैव कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस और हैव कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस. सो बेटे यहां पे बात एक बार और थोड़ी सी समझने वाली आ जाती है कि अगर वेव्स आपकी इनके बीच में फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट नहीं होता देन व्हाट विल हैपन. अगर फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट नहीं है दोनों इंसिडेंट वेव्स में जो कि दोनों सोर्सेज से जनरेट हो रही हैं तो दैट विल इंडिकेट दैट कि आपकी जो दोनों वेव्स हैं इन वेव्स में फेज डिफरेंस की कंटिन्यूस चेंजेस की वजह से एक लाइट्स जो दोनों वेव्स हैं सुपर इम्पोज प्रॉपरली नहीं कर पाएंगी और आपके जो दोनों सोर्सेज हैं वो कोहरेंट सोर्सेज नहीं कहलाएंगे. सो वो सोर्सेज जो ये कंडीशंस फुलफिल कर दें वो तो कोहरेंट हैं. अदरवाइज जो ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं दे आर नॉट कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. तो कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बेटे कैसे बनाए जा सकते हैं. आप एक सोर्स ऑफ लाइट इमेजिन करिएगा और उस सोर्स ऑफ लाइट के आगे दो स्लिट्स प्लेस कर दो. इमेजिन करिए ये सोर्स ऑफ लाइट है सिंगल पॉइंट सोर्स. इसके आगे आपने एक दो स्लिट्स प्लेस कर दी हैं. दिस इज स्लिट नंबर वन दिस इज स्लिट नंबर टू. तो ये जो दो स्लिट्स हैं बेटा फाइन स्लिट्स हैं इनसे जो आगे रेज ऑफ लाइट निकल के जाएंगी उन रेज ऑफ लाइट के लिए ये दोनों कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाएंगे. या एक आप ये सोर्स ऑफ लाइट ले लो और इमेजिन कर लीजिएगा आपने एक यहाँ पे बेटे मिरर रखा हुआ है ये. तो इस मिरर में ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के कॉरेस्पॉन्ड ये एक इसका रिफ्लेक्ट इमेज बन जाएगा इसका एस डैश. तो एस और एस डैश जो है ये दोनों आपके कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाएंगे. एक टर्म आती है कि टू सोर्सेज ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जो है दीज आर नॉट कोहरेंट. आइए थोड़ा आपको बता दूं कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जो है वो कोहरेंट क्यों नहीं होते हैं. टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट
are not coherent. दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? दो बल्ब ले लो, एक बल्ब ए ले लो और एक बी बल्ब ले लो. ये दोनों बल्ब बेटे कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट नहीं है, चाहे ये सेम एसी पर आप ऑपरेट कर रहे हो. रीजन बीइंग दैट कि जो ए से और बी से दो लाइट वेव निकल रही है, उन वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो जीरो से लेकर टू पाई तक वेरी करता रहता है, कॉन्स्टेंट नहीं रहता. फिर से ध्यान दीजिएगा, दोनों बल्ब्स आपके अगर सेम स्पेसिफिकेशन के हैं तो भी ये इंडिपेंडेंट हैं, कोहरेंट नहीं है. रीजन बीइंग दैट कि चाहे आप इनको सेम वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन जो इनसे लाइट एमिशन हो रही है वो लाइट इससे और इससे जो इमिट हो रही है, उस लाइट की वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है जीरो से लेकर टू पाई तक वेरी करता रहता है, कॉन्स्टेंट नहीं रहता. सो आपका ये जो कंडीशन था ना कि दे मस्ट हैव कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस, दिस इज नॉट फुलफिल्ड एंड दैट्स व्हाई दीज आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. सो यू कैन से दैट two independent sources of light are between never coherent sources of light. So in this manner bete hum in coherent sources of light ki baat jo hai ye is tarike se bete kar sakte hain. Iske baad hamare paas baat aa jati hai interference of light kya hai. So dear children, wo fir main ye ek bar meeting end kar lu, fir continue karta hu. Next period apna bete physics ka hi hai. Aap 5 minutes ke baad fir se join kariyega. मैं किसी डिफरेंट रूम में जाकर फिर से बेटे क्लास ले रहा हूँ. 5 मिनट्स के बाद वी विल ज्वाइन. थैंक यू ऑल बेटा.